से सीसीटीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद वाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को सलामी पेश की। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का अहसन इकदाम। इमरजेंसी हालात में बरवक्त सहूलत के लिए पैनिक बटन मुतारिफ। पैनिक बटन के इस्तेमाल के लिए अफसरान और अहलकारों को खसूसी ट्रेनिंग दी जाएगी। रुझान कच्चा के इलाके में पुलिस की जानिब से कायम किए गए स्कूल में जेर तरबियत तलबा में तकसीम इनामात की तकरीब। सेनेटर वलीद इकबाल का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। पहले तो मैं सेफ सिटी चैनल जो आपका ये इस रूप में है इसको मुबारकबाद मैं आपको पेश करता हूँ। जो इसको इंतज़ाम को संभाल रहे हैं उनको भी मुबारकबाद भी और नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेज। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की हेल्पलाइन 15 पर 8,848 कॉल्स मौसूल हुई जिनमें से 1,397 दुरुस्त केसेस थे। पंजाब सेफ सिटीज के कैमरों से वीडियो शहादतें देखने के लिए 47 पुलिस अफसरान का अथॉरिटी के इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर से राबता। 11 पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने केसेस से मुतालिक ऑडियो वीडियो और तस्वीरी शवाहिद हासिल किए। सेफ सिटी इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर चोरी होने वाली 76 मोटरसाइकिलों की तला दी गई जिनमें से मुतद्दिद को पुलिस की मदद से बरामद करवा के मालिकान के हवाले कर दिया गया। सेफ सिटी के ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर से जाली नंबर प्लेट वाली 11 गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। 2 गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करवाया गया। बिहारी पुलिस ने पुकार 15 पर मौसूल होने वाली कॉल पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी अख्तर फारूक ने अपने दफ्तर में शहरियों के मसाइल सुने। उम्र रसीदा खातून की दाद रसी, फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी की तशकील। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान वसीम अहमद खान की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस पर SHO ठेंगी मोहम्मद अब्बास को तारीफी सर्टिफिकेट जारी, नकद इनाम भी दिया। ड्रामा सीरियल अहदे वफा के किरदार गुलजार अहमद की खिदमत मरकज कोर्ट अदू में आमद। DPO मुजफ्फरगढ़ के इकदाम की तारीफ। मुझे पंजाब पुलिस पर नाज है, गुलजार अहमद का खिदमत मरकज के बाहर इजहार ख्याल। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान समद खान है। आज मैं आया एक छोटे से काम वास्ते खिदमत सेंटर, बस देख के बड़ी खुशी थी। ये DPO साहब के एकदम भी सारे पुलिस का कि पंजाब पुलिस नाज। खुशाब पुलिस की कामयाब कार्रवाई। कायदाबाद में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर खसूसी टीम्स तशकील। राणा शुएब महमूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की जानिब से DSPs को खसूसी हदायत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी अख्तर फारूक का चेक नंबर 523 EB का दौरा। डकैती की वारदात में मजाहमत के दौरान जाँ बहक होने वाले अनवर के घर गए, मौके वारदात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी अख्तर फारूक का थाना दानेवाल का सरप्राइज विजिट। थाना की बिल्डिंग, फ्रंट डेस्क, मालखाना थाना और सफाई इंतजामात का जायजा लिया। SHO थाना दानेवाल रहमत अली की टीम के हमरा कार्रवाई। मंशियात फरोश आकाश मसीह गिरफ्तार। शराब की 80 बोतलें बरामद, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तहसील हुजरों में मुलजिम परवेज महमूद साकिन से एक कदर क्लाशन कोव समेत जायज असलहा बरामद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना गोको की कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 250 लीटर शराब बरामद, मुलजमान गिरफ्तार, कानूनी कार्रवाई का आगाज। पुलिस थाना सदर मेलसी की कार्रवाई। मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1600 ग्राम चर्स बरामद। थाना सिटी और सदर हाफिजाबाद पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम बना दी। बदनाम जमाना मंशियात फरोश आफ्ताब, 1460 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। IG पंजाब शोएब दस्तगीर ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने IG पंजाब शोएब दस्तगीर को सलामी पेश की। नए IG पंजाब शोएब दस्तगीर का कहना है कि पुलिस का काम शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज करना है। हम इक्तदार पर नहीं बिठाए गए शहरियों की हिफाजत के लिए मामूर किए गए हैं।
پنجاب پولیس کے 2 لاکھ کے قریب اہلکار 11 کروڑ لوگوں کی حفاظت پر مامور ہیں۔ ہر شخص کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی، پولیس کا کام تحفظ کا احساس دلانا ہے۔ پولیس میں جزا اور سزا کا نظام طاقتور ہونا چاہیے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب دوسرے شہروں میں بھی متعارف ہو رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پولیس جدید ہو رہی ہے، بہتری کی گنجائش موجود ہے، آئندہ بھی رہے گی۔ ہمارا مقصد قانون کی برابری ہے، قانون سے کوئی بالا تر نہیں۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا احسن اقدام، ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر پولیس والے کو پینک بٹن ملے گا جسے دبا کر وہ مدد طلب کر سکتا ہے۔ ایمرجنسی حالات میں بر وقت سہولت کے لیے پینک بٹن سسٹم تیار کر لیا گیا ہے۔ خصوصی آپریشن کے دوران ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکار بٹن کا استعمال کر سکیں گے۔ پینک بٹن کے استعمال کے لیے افسران اور اہلکاروں کو خصوصی ٹریننگ دی جائے گی۔ صرف پولیس اہلکار ہی نہیں بلکہ دل کے مریض بھی پینک بٹن کا استعمال کر سکیں گے۔ سیف سٹی اتھارٹی سی ای او اکبر ناصر خان کا کہنا ہے کہ ہنگامی ڈیوٹی میں اکثر پولیس اہلکار کو فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، بر وقت مدد نہ ملنے سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ پینک بٹن کے استعمال کو جیمرز کی موجودگی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وہاڑی پولیس نے پکار 15 پر موصول ہونے والی کال پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ وہاڑی پولیس کو بذریعہ پکار 15 پر خاتون کی طرف سے کال موصول ہوئی کہ 2 لڑکے کچھ دن سے مہران گاڑی پر اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں۔ اس اطلاع پر پولیس تھانہ ماڈل ٹاؤن فوری طور پر موقع پر پہنچی اور اوباشوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم میڈم روبینہ عباس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، چھٹی کے اوقات پر مختلف اکیڈمیوں، تعلیمی اداروں اور شاہراہوں پر گاڑی پر گھومتے تھے اور خواتین کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے تھے۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv۔